हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको प्याज की पत्ती अंडे के साथ ब्रेकफास्ट के लिए कैसा बनाना बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, दो चम्मच लाल मिर्ची, अ पिंच ऑफ हल्दी, तीन अंडे, कोथमीर, हरी मिर्ची, नमक। प्याज की पत्ती को अच्छा से काट लेके, एक कट्टा है ये, धो लेके रख लेना, और थोड़ा सा ऑयल। चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लीजिए नॉनस्टिक, उसमें ऑयल डालिए। ऑयल जब गर्म हो जाता, इसमें आप डालिए अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट। जब ये ब्राउन हो जाता, इसमें डालिए आप प्याज की पत्ती, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देना, थोड़ा सा भूनिए, गोल्डन ब्राउन होएगा। आप डालिए लो फ्लेम पे, गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। अब इसमें आप डालिए प्याज की पत्ती, इसको आप भूनिए। अब थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दीजिए, अच्छे से भून के अभी आप डालना, थोड़ा सा और भून लीजिए, थोड़ा दो मिनट के लिए। इसके बाद आप डालिए लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, आपको जितना चाहिए। अब इसको अच्छे से हिलाइए दो मिनट, थोड़ा सा इसको अपन कैप, इसका ढक्कन ढाक दीजिए। ये हो गया, देखिए इसको हम भून दिए। इसमें आप ऐड करिए हरा मसाला, लास्ट में हरा मसाला। अभी अपन अंडे फेंट के डालें, ये देखिए तीन अंडे, एक तीन। इसको अपन हिलाएंगे, थोड़ा सा पकने देना है, इसे हाई रख दीजिए फ्लेम। पके बाद इसको अपन हरा मसाला डालना, उसके बाद इसको दो तीन मिनट के लिए आप ऐसा ही रखिए। जब ये पकने लगता है ना, जब आप इसको हरा मसाला डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए, ये देखिए थोड़ा ब्राउन होने देना, ये देखिए फ्लेम हाई रखिए, इसको थोड़ा भूनिए। ये हरी मिर्ची डालिए, गार्निश के लिए कोथमीर डालिए। ये तीन मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लिए। ये देखिए हो गई अपनी प्याज की पत्ती, इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया डाल के। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए ऐसा करके ये आपकी प्याज की पत्ती नाश्ते के लिए रेडी। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल मैमूनास मैजिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।